ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। इंजीनियर के द्वारा अपनी बहू और पत्नी को बंधक बनाकर लगातार फायरिंग करने का मामला लगभग 5 घंटे तक चला। अंत में पुलिस की टीम ने बहू से मोबाइल में बात कर अंदर घुसी, जहां दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और इंजीनियर को काबू कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। इंजीनियर के द्वारा 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से 11 राउंड फायर किया गया। प्रशासन लगातार अनाउंस कर सरेंडर करने की बात कहता रहा, लेकिन इंजीनियर घर में फायर कर दहशत फैलाता रहा। बाहर से पुलिस टीम इंजीनियर की बहू प्रियंका मिश्रा से फोन पर संपर्क करते हुए जैसे ही जाना कि वह पूजा कर रहा है, बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर समान थाने में पदस्थ आरक्षक आरडी पटेल को रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो इंजीनियर बदहाल हालत में निर्वस्त्र कमरे में बैठा हुआ था। उसके पास पैसों से भरा सूटकेस रखा था और कमरे का पूरा सामान अस्त व्यस्त था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इंजीनियर विक्षिप्त हो गया। बताया जाता है कि इंजीनियर सुरेश मिश्रा पीएचई में पदस्थापना के दौरान घोटाला किया था। 10 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें शीघ्र कार्यवाही होने वाली है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बुधवार की रात से ही घर के लोगों को बंधक बना लिया था। घटना की जानकारी 10 बजे प्रियंका मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी और अपने पिता श्रीनिवास तिवारी को बताया। श्रीनिवास तिवारी पुलिस बल को लेकर घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया तो इंजीनियर सुरेश मिश्रा ने गोली मार दी, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार चल रही गोली से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। पुलिस प्रशासन के पास सरेंडर करने की अपील के सिवा कुछ और नहीं था। इसकी वजह यह थी कि इंजीनियर लगातार बंदूक से फायर कर रहा था और उसके कब्जे में बहू और पत्नी थी। फोन के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इंजीनियर सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंत में पुलिस ने दरवाजा तोड़कर इंजीनियर को काबू में किया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इंजीनियर की पत्नी ने बताया कि पिछले लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। कल रात से ही अलग कमरे में रह रहे थे और घरों की रजिस्ट्री सूटकेस में रखा पैसा बार बार इधर उधर फेंकते हुए मुझे कह रहे थे कि तू अनपढ़ है। आपको बता दें कि जब टीम पहुंची तो पत्नी और बहू दहशत में डूबे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने सांत्वना दिया और स्थिति सामान्य हुई। आपको सुनाते हैं इंजीनियर की पत्नी और पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को पूरी घटना के संबंध में क्या कहा। क्या ऐसा कर रहे हैं बताएं? वो बात हम कुछ इनकी नहीं समझ पाए। आज एक हफ्ते से मेंटली डिस्टर्ब था। मुझे तो हमको भगा देते थे। अब पूछते थे कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जो दिक्कत हो तो बताइए, किसी तरह से सलूशन निकाल के समस्या का हल किया जाएगा। ये कुछ हमसे कभी नहीं बता। हमको क्या कहा था कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा साहब साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, पर अपना लड़का बच्चा पाला जानते हैं, अपन इज्जत मर्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी जो फायर किए तो क्या किसी को लगा आपके कमरे में आपके सामने कर रहे थे? हाँ जी साहब, वही की क्या चाहते क्या है तो बता रहे कि कुछ कारण नहीं मिला। कल शाम को बच्चे हमारे जब बाहर जा रहे थे तो ये भी किया था। कुछ भी नहीं खाए थे। किसी के साथ कुछ गाली गलौज मारपीट तो नहीं किया था किसी से? बहू किस रूम में है? आंटी आप पानी दी? ड्राइवर को बुलाए, फिर गए ठीक ठीक 10-11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए अंदर, बात किए, हमसे अटैची मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, वहाँ से हम चले आए, यहाँ पे आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किए वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेट हो गया क्योंकि आदत डेली की उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर से तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं हुए तो हम कह के क्या है आपको कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, काले एकादशी का व्रत था तो दिन भर से ऐसे रह गया। किस कारण से इसलिए बिचली थे? क्या कोई जांच वो चल रही है उसके कारण से कुछ डिस्टर्ब रहते थे क्या? साहब हमको कुछ पता ही नहीं, बताया ही तो हमको क्या पता थी क्या चीज़। इनके द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया? उसके बाद जब ड्राइवर चला गया तो अंदर अंदर भी नहीं आए, वहीं पे बोले कि हमको कुछ खाने पीने के लिए, तो हम गए तो साबुदाना की खिचड़ी पकाए, बहू बोली कि
बना दे मम्मी, तुम कहे तुम मत बनाओ, जाओ तुम आराम करो, हम जब पापा आए तो बना के देंगे। फिर लाए उनको दूध एक गिलास दिए, खिचड़ी बनाए, पानी सब वहीं पे दिए। उसके बाद उठे तो अपने रूम में आए तो बोले कि बेड पकड़ो, तो हम कहे हमारा हाथ नहीं उठता, ये हमारा हाथ आज 2 साल से दर्द करता है। आज जब गोली चला रहे थे तब तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ मारे किसी को लगे? नहीं, नुकसान नहीं। ऊपर हवाई फायर करते थे? अब पता नहीं भगवान जाने कि वो आ गए अचानक, आ गए कि उनके ऊपर ये चलाए, ये हम नहीं। बहू को क्यों बेड़े रखे थे? अब पता नहीं कि कोई जमीन जगह का मामला था क्या? कोई जमीन जगह का विवाद चल रहा था? जमीन जगह का मामला ये है, ये जमीन ये घर है विष्णु के नाम, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये सुरेश मिश्रा जी, और उन्हें किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पर आए देखे और परिस्थिति को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, मैं पास नहीं रहा था, तो अधिकारियों से भी निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया, और प्लान करने में डर तो लग रहा था क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी और हमारे साथियों ने जो हमारे टीम के आरडी भैया है कोई बहुत अच्छा सपोर्टर शुरू से रहे, तो हमें भरोसा भी उन पर है, और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। बंदूक जब्त हो गई जिस पर फायर कर रहे थे सर? बंदूक मिली जिससे फायर हो रही थी? जी जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी है। कितने कारतूस मिले हैं जिंदा? अभी ढूंढ रहे हैं। अभी फायर कितनी कर चुके हैं? 10 फायर लगभग उसने कर लिया है, और हो सकता है होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था, आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है, डर भी लग रहा था कहीं घटना दुर्घटना ना हो जाए, ऊपर वाले की आप लोगों की मेहरबान से अंजाम तक पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग सीएसपी साहब भी थे, सीएसपी टू मैडम भी थी। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे, बिन्नू भैया थे, अभी तक बोलने में आसमान जैसे उनके पास बोल नहीं पा रहे चीजों को लेकिन। तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।